नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम का रिव्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वाले प्रोडक्ट मैंने purple.com से परचेज करी थी एंड ये ओनली पर्पल पे ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गुड वाइब्स रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम का रिव्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है, जितने भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट आते हैं सभी जानते हैं वो purple.com पे ही अवेलेबल है एंड इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस सीरम है ये इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है एंड बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली भी है। बहुत ही छोटा सा पैकेजिंग है एंड बहुत ही क्यूट लगता है एंड ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है वो है आई थिंक 215 रुपीज इसकी प्राइस है एंड मुझे ये 161 रुपीज में पड़ा था। तो वहां पे डिस्काउंट चलते रहते हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे, आपको भी ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सीरम है इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 या 3 इयर्स के अराउंड है। तो अगर आप रेगुलरली यूज करोगे तो वैसे भी ये 3 साल चलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वांटिटी आता है 10 ml का प्रोडक्ट आता है और अंदर का जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके के इसके एसेंशियल ऑयल आते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके का है एंड ये 10 ml का प्रोडक्ट आता है एंड ये इस तरीके का ड्रॉपर आता है। ये ड्रॉपर जो है अलग से आता है इस पैकेट के अंदर में, तो इसको इस तरीके से फिक्स करना होता है जो कि मैंने फिक्स कर लिया है क्योंकि मैंने इसको यूज किया था। तो फ्रेंड्स, ये वाला एसेंशियल ऑयल कैसा है एंड ये किस तरह वर्क करता है सबसे पहले आप चलिए जानते हैं। इस सीरम को आपको यूज कैसे करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप किसी भी फेस वॉश से या क्लींजिंग मिल से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए एंड उसके बाद में जो भी कोई आप टोनर यूज करते हो, रोज वाटर या कोई भी टोनर, कोई भी अच्छा सा टोनर आप अप्लाई कर लीजिए जिससे कि आपके जो पोर्स है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद में इस सीरम के 2 से 3 बूंद, याद रखिए फ्रेंड्स 2 से 3 बूंद ही आपको इस्तेमाल करने हैं अपने फेस पे एंड फिंगर टिप्स की हेल्प से लाइटली अपने फेस पे इसको आपको अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस सीरम है मैंने यूज किया है, तो चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस सीरम को यूज करने से पहले आप डेफिनेटली ये ट्राई करें कि आप कोई पैच टेस्ट कर ले। सो फ्रेंड्स, ये देखिए एंड मैंने यहाँ पे एक ही ड्रॉप लिया है। फ्रेंड्स, मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है, बट ठंड में जो है मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है बिकॉज ऑफ विंटर। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो सीरम है, फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन ड्राई है देन आप इस सीरम को जरूर डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप इस सीरम को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट फ्रेंड्स अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है देन फ्रेंड्स आप ये वाला सीरम बिल्कुल ट्राई मत करिए बिकॉज ये आपके फेस को बहुत ही ज्यादा ऑयली बना देगा। मैं आपको इसको स्प्रेड करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक ड्रॉप लिया है, जस्ट 1 ड्रॉप एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है फेस हैंड पे मेरे इन जस्ट 1 ड्रॉप। बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर में, बहुत ही लाइट वेटेड है। ये हमारे स्किन को ग्लोई बनाने में, ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। ओवरऑल मुझे ये वाला सीरम बहुत पसंद आया। फ्रेंड्स, अगर आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है देन आप इस सीरम को जरूर ट्राई कर सकते हो, आपको काफी पसंद आएगा। बट अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है देन फ्रेंड्स आप ये वाला सीरम ट्राई मत करिए बिकॉज ये आपकी स्किन को और ज्यादा ऑयली बना देगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम का रिव्यू वीडियो एंड अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको वाली वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।